और आप खुद भी इससे आगाह रहें कि ये आपको यहूदी और ईसाई बनाने का मुतालबा करके कहते हैं कि वो बन जाओ और हिदायत पा जाओगे, फरमाया नहीं, हिदायत वो रखने वाला होगा कि जिसके अकीदे और नज़रिए में कोई शिर्क का मुसर मौजूद नहीं होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बड़ी इस्लाम को वुसअत अता फरमाई और फरमाया कि आप इनको बताएं कि आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, वमा उन्ज़िला इलैना, जो अल्लाह ने हमारे ऊपर नाजिल किया उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो हमसे पहले इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक आपकी औलाद पर जितनी भी आसमानी किताबें और सहीफे नाजिल हुए, ऐ मेरे हबीब आप इनको बता दो कि हम उन पर भी ईमान रखते हैं। और किताबों पर ईमान लाने का मतलब भी ये है कि तमाम आसमानी किताबों को अल्लाह का कलाम माना जाए। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं कुरान को तो अल्लाह का कलाम मानता हूँ और किसी और किताब को अल्लाह का कलाम नहीं मानता, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब ये देखें इस्लाम की कितनी वसत है कि आसमान से तकरीबन 313 सहीफे नाजिल हुए और उनमें चार बड़ी मशहूर किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ठीक है। तो कोई भी बंदा मोमिन उन तमाम सहीफों पर जब ईमान का इकरार करेगा तो फिर उसका ईमान मुकम्मल होगा। अब जब इस्लाम ये बात कहता है कि हम अपने ऊपर भी नाजिल होने वाली किताब को तस्लीम करते हैं और जो तुम्हारे नबियों पे नाजिल हुई उनको भी तस्लीम करते हैं, तो फिर उनका ये मुतालबा कि हम ठीक है और तुम गलत हो, तो ये दावा किसी सूरत समझ में नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया कि इनको बताएं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम तो सारे नबियों को मानने वाले हैं, हम तो सारे रसूलों को मानने वाले हैं, उन पर नाज़िल होने वाली किताबों को मानने वाले हैं, हम उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम ही सही जो है ताबेदारी करने वाले हैं, फरमाबरदारी करने वाले हैं। अब इसके बाद एक और पैमाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा खास दिया, अल्लाह ने फरमाया फरमाया अगर ये लोग इस तरह ईमान लेकर आए जैसे हुजूर के सहाबा ईमान लेकर आए, फकते तदो, तो वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब। अभी इस आयत मुबारका में अल्लाह ने सहाबा के ईमान को हमारी हिदायत का मेयार बनाया, हमारी हिदायत का, फरमाया इन आमनु बिमिस्ले मा आमनतु, जैसे सहाबा ईमान लाए अगर ये भी वैसा ईमान लाए तो ये हिदायत पा जाएंगे। तो पता चला ये बड़ा खास नुक्ता है। इस एतबार से आज हमारे यहाँ एक बड़ी प्लानिंग के साथ ये भी हमारी माशरे में जंग शुरू है, ठीक है, कि हम 14 सदियां गुजरने के बाद अपनी डेढ़ छटा की अकल पे फैसला करने बैठ जाते हैं कि फलां से हाकी ठीक है और फलां गलत है, फलां हक पे और फलां बातिल पे है। कत्तन हमें इसमें अख्तियार नहीं है, इसलिए कि मेरे पाक नबी का हर सहाबी हिदायत याफ्ता है। जब रसूलुल्लाह ने ये बता दिया असहाबी का नजूमे वाद अय्यम इक्तदै तुम इहतदै तुम, मेरे सब सहाबा आसमान के तारों की तरह हैं, तुम जिनके पीछे चलोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब गिरोह की अलामत भी ये इरशाद फरमाई कि वो मेरे भी पैरोकार होंगे, हूँ अला सुन्नति व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, वो मेरे भी रास्ते पे चलने वाले होंगे और मेरे सहाबा के रास्ते पे भी चलने वाले होंगे। तो हुजूर के सब सहाबा जो कम उमेश 1,24,000 सहाबा है, वो सब के सब हिदायत पर हैं। हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम इतनी सदियां गुजरने के बाद उनके जाती मामले को या उनके किसी तारीखी मामले को लेके आपस में उलझते रहें और ग्रुपबंदी करते रहें और यहाँ पर बैठ के हक सच का फैसला करते रहें। नहीं, वो हिदायत याफ्ता है, बल्कि अल्लाह ने उनके ईमान को मेयार बनाया है हमारी हिदायत के लिए। तो जिनका ईमान रब की बारगाह में काबिले कबूल है और बाद वालों के लिए हिदायत का मेयार है, हम वहां पे कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि ये ठीक है और ये गलत है? नहीं, सबसे आला हमारे लिए काबिले इत्तेबा, सबसे आला हमारे लिए काबिले हिदायत है, हुज्जत है। और अब अगली बात ये समझे कि सहाबा का ईमान कैसा था कि अल्लाह ने हमारे ईमान के लिए मेयार बना दिया।
सब सहाबा के ईमान का मरकज और महबर वो जाते मोहम्मद मुस्तफा, सब सहाबा के ईमान का मरकज हजूर का इश्क और मोहब्बत है और मेरे पाक नबी की गुलामी। तमाम सीरत निगारों ने यह रिवायत जिक्र फरमाई। मैं आपको मदारिज नबुव्वा और ज़िया नबी से हवाला अर्ज करता हूँ। हजूर सल्लम हज का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हज के खुतबे के दौरान हजूर सल्लम ने शहर मक्का की तरफ इशारा करके फरमाया, अय्यो बालिक हाजा, ऐ सहाबा बताओ ये शहर कौन सा है। 1,24,000 कम अज कम सहाबा आपके सामने मौजूद है। हज का खुतबा है और हजूर फरमाते हैं कि बताओ ये कौन सा शहर है। सब सहाबा को पता है कि मक्का का शहर है लेकिन जवाब नहीं दे रहे। फिर हजूर ने पूछा, अय्यो यौम इन हाजा, आज का दिन कौन सा दिन है। सब सहाबा को मालूम था 10 ज़िलहज है लेकिन कोई बता नहीं रहा। हजूर ने पूछा, अय्यो शहर इन हाजा, कि ये महीना कौन सा है। सबको पता था हज का महीना है, लोग दुनिया से हज करने आए हैं लेकिन सहाबी जवाब नहीं दे रहे। 1,24,000 सहाबा को इन सवालों का पता है, कोई मुश्किल जवाब नहीं थे लेकिन जवाब दिए नहीं। जब सहाबी ने ये बात अपने के बाद ताबेई को बताई तो उस ताबी ने पूछा, बड़े आसान सवाल थे, तुम में से जवाब किसी ने नहीं दिया। तो वो सहाबी कहता है, हमने इसलिए जवाब नहीं दिया, हम रसूल के इंतजार में थे, अगर मेरे नबी मक्का को मदीना कह देते तो हमने भी मदीना कहना शुरू कर दिया। अगर हजूर 10 ज़िलहज को 10 मुहर्रम कह देते तो हमने उसको मुहर्रम कहना शुरू कर दिया, और अगर हजूर हज के महीने को मुहर्रम का महीना कह देते हमने उसको मुहर्रम का महीना कहना शुरू कर दिया। उस सहाबा का ईमान जो है वो इस बुनियाद है कि जिधर जिधर तुम्हें आमदा का लाल घुमाए तुम उधर उधर घूमते चले जाओ, ये तुम्हारे ईमान की कामयाबी है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो सहाबा के मुफ्ती सहाबी हैं, ये बात शायद पहले भी मैंने आपको एक दिन जुमे के खुतबे में या गालिबन दर्स में मैंने अर्ज की थी कि सब सहाबा सहाबी होने के एतबार से वो एक दर्जे में है लेकिन इनफिरादी फजीलत और बुलंदी के एतबार से उनकी मुख्तलिफ रिफियतें बुलंदियां और मरतबे हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद उन सहाबा में से हैं जो सहाबा के मुफ्ती सहाबी, सहाबा में टोटल 1,24,000 सहाबा में से 80 जो सहाबा थे वो मुफ्ती के दर्जे में थे और उन 80 में से फिर 40 जो थे वो सीनियर थे और उन 40 सीनियर मुफ्तियों में से जो हेड मुफ्ती थे वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद थे। और याद है आपको ये इनाम मिला क्यों, ये आपको इज्जत इसलिए मिली है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वो सहाबी हैं जिन्होंने बाकी सहाबा से ज्यादा मेरे पाक नबी के नालायक मुबारक उठाने का शर्फ हासिल किया, हजूर के नालायक मुबारक। और आपका अंदाज बड़ा कमाल का था, हजूर के नालायक उठाते या सीने से लगा देते या सर पे रख लेते। और इन्हीं की खिदमत पे आला हजरत ने फरमाया था कि सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाक के हुजूर तो फिर कहेंगे कि बादशाह हम भी हैं। ये अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद नबवी में आ रहे, हजूर सल्लम सहाबा को दर्श दे रहे, तबलीग फरमा रहे। मस्जिद नबवी के अंदर कुछ सहाबा जो है वो पीछे खड़े थे। हजूर ने उन सहाबा को फरमाया कि इतने सुन बैठ जाओ जो अंदर खड़े थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बाहर है जहां पे जूते उतारते हैं सहाबा, वहां पे आप पहुंच गए। अब ये जुमला हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के कान में भी पहुंच गया कि हजूर फरमा रहे बैठ जाओ, आप वहीं जूतों पे बैठ गए। और किसी ने पूछा अब्दुल्ला बिन मसूद आगे क्यों नहीं जाते, फरमाते हैं इसलिए कि हजूर ने फरमा दिया यहीं पे बैठ जाओ, मेरी ये जुरत कैसे हो सकती है कि मैं इंच भी आगे चल के दिखाऊं। हजूर ने फरमाया बैठ जाओ, मैं यहीं पे बैठ। अब ये मेयार ऐसे आप इकराम के ईमान, तो जब उनके ईमान में हजूर का इश्क और मोहब्बत वो इस कदर है तो अल्लाह ने उनके ईमान को कयामत तक के लोगों के लिए मेयार और दलील बनाया। और अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम्हारा ईमान उनकी तरह हो जाए तो फिर तुम हिदायत में आ जाओ, वही तबल्लो फइन्नहुम फी शिकाक, और अगर तुम उनसे मुंह फेर लोगे तो बड़ी दूर चले जाओगे। फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। वहु समीउल अलीम, अल्लाह बहुत ज्यादा सुनने वाला भी है और बहुत ज्यादा जानने वाला।
वादा भी है, इसलिए अल्लाह ने भी कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो जब इंसान ईमान के एतबार से, और आज तो हमारे यहाँ ये बहुत अलमिया है, अगर हम अपने ऊपर गौर करें तो हमारा ईमान तो सहाबा के ईमान के दर्जे रुतबे हजूर की गुलामी और इत्तेबा के मामले में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। हम तो बदकिस्मती से ये सूरत याद है कि हम तो अपने माहौल और माशरे को एक दूसरे के रवैये और किरदारों से हमने जो है वो बना दिए हैं कि हम एक दूसरे से डरने लग गए। वो इंसान जो कभी जानवरों को दोस्त बना लेता था, वो मुसलमान इंसान एक दूसरे से डरता नजर आता है। एतमाद खत्म हो गया, भक्ते खत्म होती जा रही, अदाबतें बढ़ती जा रही। तो इसलिए सहाबा के ईमान में जो है एक दूसरे के साथ उल्फत, प्यार, मोहब्बत, अमन, सलामती और दीन के साथ इत्तेबा और गुलामी का जज्बा, ये जो है उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह हमें भी बहसियत मुसलमान, बहसियत मोमिन, सहाबा किराम के तर्ज अमल को, उनकी गुलामी रसूल और उनकी इत्तेबा रसूल को अपनाने की अल्लाह ताला हम सबको